कैसे हैं आप सब? और अभी हम घर से बाहर निकले हैं, थोड़ा सा बस जस्ट अभी निकलेंगे, 5 मिनट ही हुआ। पसीने से देखो कैसे लस पस्त हो गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल से कपड़े पहन के आई हूँ और आज आप लोग को पता चलेगा कि मैं क्यों आई हुई हूँ और आखिर क्या है, किस वजह से मैं आज निकली हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, जो भी मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, मेरे चैनल न्यू कप्पा पहना कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं और आप लोगों को आगे आगे पता चलता जाएगा कि हम किस लिए लाइक करो एनी करो। और मेरे एनी की आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आज फीवर से लाया उसको, तो उसको भी दिखाना है। लाइक करो, शेयर करो, बाय बाय। और उसके आँख में देख रहे हो ना, ये क्या देखो निकला हुआ, गोहरी बोलते हैं ना, ये निकला हुआ है। तो अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी मेडिसिन वगैरह भी लेनी है। तो कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसे ही हो जाता है। तो अभी हम रुके हुए हैं, मम्मी भी साथ में आई हैं और मम्मी एक्चुअली पार्लर में हैं, तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए। मम्मी को थ्रेडिंग कराना था और मैं अंदर नहीं गई हूँ क्योंकि आनी है ना साथ में, फिर सतानी बहुत करती इसलिए नहीं गई। और थ्रेडिंग तो मेरी भी बढ़ रही है लेकिन अभी नहीं कराएंगे, मैं कराऊंगी रक्षाबंधन के टाइम पे, अभी नहीं कराऊंगी। तो बहुत गर्मी है और फुल वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, फटाफट। अभी बाय नहीं करना है, अभी हाय करना है। ओके, जब लास्ट होगा तब बाय करेंगे। ओके, पापा साथ घुमा करेगी, कहाँ चलेंगे? अभी चलेंगे ना घुमा, अभी तो करके आए थे घुमा, अभी चलेंगे खा लें फिर चले घुमा। दादी को भूख लगी है, खा लें फिर चलते हैं, फिर मोमोज ले देंगे आपको। मोमोज अभी अभी यहीं से ले देंगे, वो देखो लगे हैं। मोमोज खाओगी? वो लगे हैं, वो लगे हैं, अभी मम्मा दिलवा देंगी वहीं से। ओके, खाओगी मोमोज? यहाँ पे हम सब लोगों का डोसा आ चुका है, तो अभी फटाफट से हम लोग डोसा खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों वहां से निकल आए हैं और पापा का डोसा पैक करा के रख लिया है हम लोगों ने, तो इसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग है तो वो मुझे अभी मार्केट में करनी है। सारे काम होने के बाद, सारे काम तो नहीं हुए हैं, कुछ काम पेंडिंग में रह गए थे, तो वहाँ से आने के बाद मैं मंदिर में आई हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एंड ज़रूरी काम मेरा यही था कि मुझे मंदिर आना था और मंदिर आ गए हैं। और मैन जो मतलब माता रानी है वहाँ पे मैंने कैमरा नहीं ऑन किया था, नहीं दिखाया है। और यहाँ पे बैक में जो है वहाँ का सूट कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग मंदिर आए थे तो बहुत थोड़ा सा भीड़ सा लग रहा था, मैंने कहा चलो लौटते टाइम आएंगे तो आराम से माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे, आप लोगों को भी मिला देंगे और थोड़ा सा वीडियो शूट भी कर लेंगे। और यहाँ पे एनी देख रहे हैं कैसे भगवान जी से आशीर्वाद ले रही है, बस इन्हीं का आशीर्वाद है जो हमारे जीवन में बना रहे हमेशा और आप लोगों के लिए भी बना रहे। तो अभी हम आपसे बात ही नहीं कर पा रहे, मंदिर से आए थे।
मंदिर से आने के बाद अभी ला रहे हैं। एक मिनट, मंदिर से आने के बाद ऐनी की दवाइयाँ ली हैं और दवाइयाँ लेने के बाद यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं मटर पापड़ी, जो यहाँ की बहुत फेमस है मटर पापड़ी, वो खा रहे हैं। और अभी घर चल के आप लोगों से बात करेंगे इत्मीनान से बैठ के, तो अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है और कहीं और भी जाना था, काफ़ी काम अधूरे रह गए हैं, काफ़ी पूरे हो गए। और क्या क्या लेके आए हैं हम आप लोगों को वो भी दिखाएंगे, वो भी बताएंगे। तो ये देखो चीज़ें चल रहा है, तो अभी मेरी भी मटर पापड़ी आ रही है ना इन्नू? नहीं आ रही है एनी भी मंदिर लोके आई थी मेरी, देखे कहते तो मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब और ये है मटर पापड़ी, आ जाइए सब लोग। तो दोस्तों उस दिन मैं नेक्स्ट डे वीडियो बना रही हूँ, तो उस दिन तो बहुत थकान हो गई थी, नहीं बना पाई थी घर आते आते। कहते हैं ना बाहर से कहीं आओ तो हालत डिस्टर्ब हो जाती है, तो वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाए थे हम। तो मंदिर में गई हुई थी और मंदिर मुझे प्रसाद भी चढ़ाना था, बहुत ज़रूरी हो गया था। उस दिन हरेला था जिस दिन मैं गई हुई थी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने आ रही हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई थी छोटी मोटी, और आप लोगों को शॉपिंग दिखाते दिखाते बता भी दूंगी किस वजह से गई थी, क्या था क्या नहीं था, है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पे शो करूँगी। सच में बहुत खुशी होती है जब कहते हैं ना अपने दम पे कुछ करो, तो बहुत खुशी होती है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा करने में। और चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, है ना। हाँ तो यहाँ ठीक है, आराम से मैं आप लोगों से बात भी कर पाऊँगी, है ना। तो आप लोगों को दिखाती भी जाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी और क्या क्या ज़रूरी सामान था वही लिया है, मतलब लेना मुझे बहुत कुछ था, मैं गई थी कुछ सोच के। ए हाँ वो निकाल लेना, सुनना, अलमारी में रखा है कबर्ड में, तो मैंने वो कबर्ड में रख दिया था, यानी देख रही थी तो इरिटेट हो रही थी, तो और तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं इसमें से कुछ सामान ख़त्म भी हो गया है, कुछ सामान ख़त्म भी हो गया है। तो कहते हैं ना ये एक टी शर्ट ली हुई है, क्या चाहिए तुम्हें हमारी से? वो सूट रखा हुआ है, तो अभी थोड़ी ना मुझे डालना लोग। ऐ तो क्या हुआ। और कुछ चीज़ें मैं बहुत लाई हुई हूँ और कुछ चीज़ें मैंने रख दी। ये टी शर्ट बताओ कैसी लग रही है, मुझे कलर इसका बहुत अच्छा लगा था, इसमें भी और कलर थे लेकिन ये अच्छा लगा मुझे। तो ये मेरे हस्बैंड ने ली हुई है, ये है, जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को सरप्राइज है किसी के लिए जो मैंने लेके रखा हुआ है, तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट पहुंचेगा, मेरे हस्बैंड का ये मतलब है कि अभी बताऊंगी। एक ही टी शर्ट लिया, एक कलर था नहीं, तो मैंने कहा एक ही टी शर्ट ले लेते, और पीछे इसका ऐसा है प्रिंट, पता ना कैसी लग रही है। तो दो ये टी शर्ट ली हुई हैं एंड ये मैगी के दो लिए हुए थे, एंड मेरा लाइटर ख़राब हो गया था यार, एक ये लाइटर के साथ में ये देखो चाकू भी है और वो क्या होते छिलनी वो भी गया। और लिया था क्या लिया था, फुल ब्लूम का ये टोमेटो केचप लिए थे, ये सिर्फ बिस्किट वगैरह हैं, यही नॉर्मल चीज़ें हैं, और कुछ वैसा कुछ नहीं लिया था मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेने गई थी बहुत चीज़ मुझे खास लेनी थी उस दिन, लेकिन टाइम इतना हो गया, पूरा टाइम मेरा पता है मॉल में निकल गया, हम लोग ना कुछ ले ही नहीं पाए, देखते रहे। एक्चुअली मुझे लेने थे एनी के लिए कपड़े, ठीक है समर चल रहे हैं तो समर के हिसाब से उसके लिए कपड़े लेने, उसके पास पता है ड्रेसेस बहुत है, लेकिन बट उसके पास हैवी ड्रेसेस हैं, और जो बच्चों का क्या होता है छोटे हो जाते हैं कपड़े, उसके छोटे हो गए, वो मैंने डेली में उसको पहना दिए, तो मुझे कुछ उसके लिए शॉर्ट्स वगैरह ऐसे लेने थे लेकिन नहीं ले पाई मैं, तो उस चक्कर में एनी का ट्वेस्ट था ला दिया।
लो प्लीज, सॉरी। तो क्या नाम हम बताते हैं, हाँ तो एक ये लिया हुआ था, ये ऐसे करके है, ये ऐसे लंच बॉक्स, और ये आप लोग को बाद में पता चलेगा मैंने ये सब चीज़ें किसके लिए खरीदी हुई हैं। ये देखिए ये लिया है टॉयज, तो अच्छा लगता है। एंड लिटिल लिटिल हार्ट्स का ये जो आता है ना बिस्किट, ये वाले काफ़ी सारे पैकेट्स लिए हैं, सब नहीं दिखा रहे हैं, थोड़े थोड़े दिखाए हैं। तो शॉपिंग थोड़ी सी रह गई थी, कुछ लोगों के लिए चीज़ें खरीदनी थी, खास थी लेकिन नहीं ले पाए। और भी चीज़ लेके आए तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैं क्या लेके आई। बट मुझे पता है इस बात की खुशी हुई है, खोल देती हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। तो खुशी ये है कि मेरी सैलरी आ गई है, यानी कि मेरी फर्स्ट सैलरी आई है। तो फर्स्ट सैलरी से मैंने सबसे पहले माता रानी के दरबार में प्रसाद चढ़ाया है जाके, तब मैंने अपनी सैलरी से कुछ खर्च किया है। तो उस दिन हरेला था, पता है मुझे चूड़ी, देखो ये देख रहे हैं ना, ये वाली मुझे पूजा में मिली हुई थी, तो मैंने वही पहन ली थी, और बाकी की टूट गई थी, टूट ऐसे गई थी यानी सारी दबा दी थी। और सबको पार्टी भी दी थी उस दिन कि मेरी फर्स्ट सैलरी आई है, फर्स्ट सैलरी की पार्टी देनी होती है। तो काफ़ी जगह हम सूट भी कर पाए थे, काफ़ी जगह नहीं सूट कर पाए थे। तो मम्मी को भी सोचा कि चलो उनको भी पार्टी दे देते हैं, तो खाना खाने का मूड नहीं था, अब जब जाएंगे तब और देंगे जाके। तो अच्छा लगता है अपने पैसे से कुछ करो, कुछ हटके करो ना, एक खुशी मिलती है कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया हुआ है, वो खुशी अलग ही होती है यार, सच में वो खुशी अलग होती है। तो मुझे सच में एक प्राउड फील हो रहा है कि हम इस लायक हो गए हैं कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि मैं अपने घर वालों के लिए या अपने नहीं मिल रहा। चलो तो मैं वो बाद में दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने शायद ब्लॉग में देखा होगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को बट मिल जाएगा मैं क्या क्या और लाई थी, ठीक है, ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सच में वो खुशी अलग ही होती है, और मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेती रहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मंदिर गए, माता रानी के दरबार गए, फिर उसके बाद जाके कुछ खरीदा, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अभी तक मैंने शेयर नहीं किया था। आप लोग बताना आप लोग खुश हैं कि नहीं है, मेरी खुशी में शामिल हो जाओ और इन्जॉय करो। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, आप लोग ब्लॉग देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे ब्लॉग। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट दो, प्यार दो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो मेरे लिए खुशी ये बहुत मायने रखती है, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, और करते रहेंगे आप लोगों की अगर दुआ रहेगी तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोग हमारी लाइफ में हो और हमारे वीडियोस को वॉच करते हो, बस थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं, आप लोग लड़खड़ाते हैं तो हम भी लड़खड़ा जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, फुल सपोर्ट बना के चलो, हम कंटिन्यू आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करेंगे। तो चलो अपने वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलूँगी, और बहुत ही धमाकेदार ब्लॉग के साथ मिलूँगी, सोच रही हूँ कि अच्छा अच्छा आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। अभी 10 बज चुका होगा, तो मेरे इंस्टाग्राम पे लाइव जाने का भी टाइम हो जाता है। और हाँ, जिन जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की आईडी एंड अपनी आईडी इंस्टाग्राम की जो भी है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है तो लाइव पर आके पूछ सकते हैं मुझसे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइज़।